इम्यूनोथेरेपी कैंसर को ट्रीट करने की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और एक कैंसर ट्रीटमेंट का मेजर रेवोल्यूशन है। क्या आप जानते हैं कि कुछ सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस से आप इम्यूनोथेरेपी के काम करने का चांस कई गुना बढ़ा सकते हैं और कैंसर का अच्छा आउटकम पा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर गणेश गोविंद गुप्ता, MBBS MD और DM फ्रॉम एम्स दिल्ली, और मैं दिल्ली में स्थित कैंसर स्पेशलिस्ट यानी कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। तो दोस्तों, मेरा एक मेन एरिया ऑफ एक्सपर्टीज कैंसर इम्यूनोथेरेपी है, और कैंसर इम्यूनोथेरेपी उन सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज को बोलते हैं जो मरीज की बॉडी के अपने इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करता है ताकि वो कैंसर सेल को रिकॉग्नाइज करे और किल करे। तो हम समझते हैं कि यदि बॉडी में कैंसर आया है तो ये बॉडी के नॉर्मल इम्यून सिस्टम का एक फेलियर है, क्योंकि इम्यून सिस्टम नॉर्मली डेवलपिंग कैंसर स्टेज पे ही उसको खत्म कर देना चाहिए, पर यदि वो उसको नहीं खत्म कर पाया तो ये इम्यून सिस्टम का फेलियर है। तो बहुत सारी नई ट्रीटमेंट्स और दवाइयाँ हैं जो बॉडी के इम्यून सिस्टम को अलाउ करती है कि ये डिफेक्ट को पूरा करे और कैंसर सेल्स को किल कर दे। तो इम्यूनोथेरेपी के बारे में एक बहुत ही स्पेशल फीचर है कि इम्यूनोथेरेपी यदि काम करती है तो बहुत ही अच्छा काम करती है। इनफैक्ट आज के डे में जो इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स अवेलेबल है उन सब में ये देखा जाता है कि जिन पेशेंट में इम्यूनोथेरेपी से रिस्पॉन्स यानी ट्यूमर श्रिंकेज आता है उनमें श्रिंकेज लॉन्ग टर्म हो सकता है, यानी कई साल तक, या बीमारी को जड़ से इलाज भी कर सकता है चाहे वो स्टेज 4 की बीमारी हो। ऑन दी अदर हैंड कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिसमें इम्यूनोथेरेपी देने के बाद भी इम्यूनोथेरेपी काम नहीं करती, और ये पेशेंट के लिए बहुत ही डिसअपॉइंटिंग होते हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट मॉडलिटी पेशेंट फेल हो जाती है, उसका असर नहीं आता। तो हालांकि ये वीडियो पूरी इम्यूनोथेरेपी की डिटेल्स को डेप्थ में नहीं डिस्कस करेगी, और इसके लिए आप हमारा चैनल पे इम्यूनोथेरेपी वाला वीडियो देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि यदि कोई पेशेंट हमारे पास इम्यूनोथेरेपी ट्रीटमेंट देने आता है तो हमारा क्या काउंसलिंग होता है, उसमें हम उनको क्या बताते हैं ताकि इम्यूनोथेरेपी का काम करने का चांस मैक्सिमम पॉसिबल हो और पेशेंट का दवाई काम करने का चांस बेस्ट हो। क्योंकि जैसे मैंने बताया, देखो, या तो दवाई काम ही नहीं करेगी जिससे पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा नहीं मिलेगा, या फिर दवाई इतना अच्छा काम करेगी कि पेशेंट को सालों तक का रिमिशन मिल सकता है, बीमारी खत्म भी हो सकती है। तो ओवर टाइम जैसे जैसे हमने इम्यूनोथेरेपी की नई टेक्नोलॉजी से एक्सपीरियंस गेन किया है और हमने वेरियस रिसर्च पेपर्स वर्ल्ड वाइड साइंस को देखा है, हमने एक SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया है जो हम पेशेंट्स को देते हैं और उनको समझाते हैं कि इसको फॉलो करें ताकि इम्यूनोथेरेपी काम करने का चांस मैक्सिमम हो। तो आज हम ये अपना इम्यूनोथेरेपी का SOP शेयर करने जा रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि इसको जो भी पेशेंट है इंडिया में या अब्रॉड जो कैंसर इम्यूनोथेरेपी ले रहे हैं, इस प्रोसीजर को फॉलो करके अपना इम्यूनोथेरेपी का रिस्पॉन्स रेट को बढ़ा सकते हैं और अपना बेटर आउटकम पा सकते हैं। तो दोस्तों, इम्यूनोथेरेपी जब भी हम किसी पेशेंट को शुरू करते हैं तो इम्यूनोथेरेपी दवाई के अलावा, जो ट्रीटमेंट्स के अलावा, हम पेशेंट को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बोलते हैं जिसको हम 3 लिस्ट में डालते हैं। एक लिस्ट है जिसको हम बोलते हैं नो लिस्ट, यानी वो चीज़ें जो पेशेंट को नहीं करनी है। एक है अवॉइड लिस्ट, यानी वो चीज़ें जो पेशेंट को अवॉइड करनी है और कम से कम करनी है, यानी जितना पॉसिबल है पेशेंट को परहेज करना है। और एक चीज़ है डू लिस्ट, यानी वो चीज़ें जो पेशेंट को करनी है इम्यूनोथेरेपी का असर बढ़ाने के लिए। तो हम एक एक करके तीनों लिस्ट के ऊपर जाते हैं। सबसे पहले लिस्ट है जो हमारी नो लिस्ट है। नो लिस्ट में पेशेंट को 3-4 चीज़ें बोलते हैं जो उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है। सबसे पहले चीज़ जो पेशेंट को बड़ी स्ट्रिक्टली बोलते हैं वो ये है कि पेशेंट कोई स्टेरॉयड नहीं लेना है। तो दोस्तों, स्टेरॉयड में कुछ कॉमन ड्रग्स आते हैं जैसे हाइड्रोकॉर्टिसोन, डेक्सामेथासोन, डेक्सा, प्रेडनिसोलोन, वाइसोलोन, ओमनाकोटेन इत्यादि। और इन सारे ड्रग्स की एक कॉमन फीचर है कि बॉडी की इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं। तो इस चीज़ का कोई लॉजिक नहीं है कि एक तरफ तो हम दवाइयाँ दे रहे हैं इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए और दूसरी तरफ पेशेंट को स्टेरॉयड देते हैं जो इम्यूनिटी को कम करते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को ध्यान रहे कि स्टेरॉयड्स को बिल्कुल अवॉइड करना है। तो कई बार क्या होता है कि स्टेरॉयड्स अनएक्सपेक्टेड बेसिस पे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज पेशेंट इम्यूनोथेरेपी ले रहा है और पैरेलल में उसको कोई छोटा इन्फेक्शन हो जाता है और उसका जो लोकल डॉक्टर है उसको एंटीबायोटिक के साथ स्टेरॉयड दे देता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को सेंसिटाइज किया जाए कि उनको बिल्कुल स्टेरॉयड अवॉइड करने हैं, और कोई भी ड्रग जो वो लेते हैं वो हमें यानी अपने डॉक्टर से स्क्रीन करके ही लें। नंबर 2 जो चीज़ हम पेशेंट को मना करते हैं वो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के बारे में है। तो हम पेशेंट को बड़ी स्ट्रिक्ट हिदायत देते हैं कि उनको कोई भी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन इम्यूनोथेरेपी के अलाउड नहीं है। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में आ गया कोई भी होम्योपैथिक ड्रग, कोई भी आयुर्वेदिक ड्रग और कोई भी हर्बल ड्रग। तो इसका भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन है दोस्तों कि कई बार इन ड्रग्स में, यदि हम मार्केट की बात करें, तो इन ड्रग्स में स्टेरॉयड मिक्स करके पेशेंट को दिए जाते हैं। कई मेजर रिसर्च में देखा गया है कि बहुत सारे प्लेयर्स जो भी अनएथिकल प्लेयर होते हैं यानी क्रिमिनल माइंड प्लेयर होते हैं, वो अपने वेरियस आयुर्वेदिक प्रिपरेशन में या होम्योपैथिक प्रिपरेशन में स्टेरॉयड मिला देते हैं, जिससे पेशेंट को दवाई लेके अच्छा तो फील होता है पर एट द सेम टाइम पेशेंट बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है और इम्यूनोथेरेपी का काम करने का
चांस कम हो जाता है। तो खासकर जो कोई भी ऐसा हर्बल या ड्रग या आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक प्रिपरेशन जिसका कंटेंट आपको नहीं पता, जिसका कंटेंट आपको डॉक्टर ने कोई पुड़िया दी है या डॉक्टर ने कोई पाउडर दिया है, डॉक्टर ने कुछ गोली दी है, इसका कोई कंटेंट आपको नहीं पता, ऐसी कोई दवाई आपको अलाउड नहीं है, क्योंकि उसमें जरा सा भी स्टूडेंट होगा तो जो भी हम ट्रीटमेंट आपको दे रहे हैं सब वेस्ट है और इम्यूनोथेरेपी का असर डेफिनेटली कम होगा। सो थर्ड चीज जो नॉट टू टेक लिस्ट में है वो भी यही है कि कोई भी अनडिस्क्लोज्ड आइटम मत लो। यदि कोई भी दवाई है उसका कंटेंट क्या है आपको नहीं पता, कोई सप्लीमेंट है उसमें 50 चीजें हैं आपको नहीं पता, हर 50 चीज का क्या फंक्शन है वो अवॉइड करना है। इनफैक्ट हम इम्यूनोथेरेपी पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप साथ में दवाइयाँ कम से कम लो और अननेसेसरी दवाइयों को अपनी प्रेस्क्रिप्शन से कट आउट करो। तो नेक्स्ट लाइफ स्टाइल चेंजेस जो पेशेंट को बोलते हैं वो होता है अवॉइड लिस्ट। तो अवॉइड लिस्ट में 3-4 चीजें जो पेशेंट को अवॉइड करने को बोलते हैं, तो सबसे पहला अवॉइड लिस्ट का आइटम होता है प्रोसेस्ड फूड। तो दोस्तों इम्यूनोथेरेपी के बारे में रिसेंटली कुछ इंपॉर्टेंट साइंस ये आया है कि हमारे इंटेस्टाइन में जो माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, इम्यूनोथेरेपी मेनली उनके थ्रू मॉड्यूलेट होती है और बॉडी के इम्यून सेल इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया के कॉन्टैक्ट में आकर ट्रेन होता है। तो बॉडी का माइक्रोबायोम यानी बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन है यदि मॉडिफाई होती है तो उसे इम्यूनोथेरेपी का असर भी मॉडिफाई होता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इम्यूनो पॉजिटिव माइक्रोबायोम बॉडी में रहे, पेट के बैक्टीरिया ऐसे रहे जो इम्यूनोथेरेपी को स्टिमुलेट करे। और इसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल वाले फूड पेशेंट अवॉइड करे। तो हम रूल ऑफ थंब पेशेंट को ये बोलते हैं कि भाई कोई भी खाने की चीज अगर डब्बा बंद है या पैकेट में आती है पैकेज में आती है उसको अवॉइड करो। कॉमन एग्जाम्पल हो गया जैसे ब्रेड हो गया, बिस्किट हो गया, चॉकलेट हो गया, चिप्स हो गया, तो जो चीज किसी फैक्ट्री में बनी है उनको अवॉइड किया जाए, उसके जगह एक नेचुरल घरेलू हेल्दी डाइट ली जाए जिसमें प्रोटीन का कंटेंट अच्छा हो और अनप्रोसेस्ड चीजें ज्यादा हो। तो दाल, रोटी, सब्जी, चिकन, मटन, अंडा, मछली, मतलब जो भी चीज अनप्रोसेस्ड है ज्यादा से ज्यादा उनको यूज किया जाए, प्रिजर्वेटिव वाले फूड आइटम अवॉइड किया जाए। नेक्स्ट चीज जो अवॉइड लिस्ट में होता है उसको हम बोलते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। तो दोस्तों प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स एक क्लास ऑफ ड्रग है जो पेट की एसिडिटी कम करते हैं और कॉमनली इंडिया में इनको गैस की गोली भी बोला जाता है। तो कॉमन एग्जाम्पल है पेंटॉप, पेंटोसिड, पेन 40, रेबलेट, एरेजो, एसोमेप्रेजोल एटसेट्रा। और इन सारी दवाइयों का मेजर पर्पज ये है कि पेट की एसिडिटी को कम करते हैं। पर इम्यूनोथेरेपी रिसर्च में ये पाया गया है कि ये जो दवाइयाँ हैं ये एक्चुअली बॉडी के बैक्टीरियल कंटेंट को भी मॉड्यूलेट करती है और जैसा पहले बताया इसका नेट रिजल्ट ये हो सकता है कि इम्यूनोथेरेपी का असर कम हो सकता है। तो कुछ स्टडीज में ऐसा पाया गया है कि जो लोग प्रोटॉन पंप इनहिबिटर लेते हैं उनमें इम्यूनोथेरेपी के काम करने का चांस ऑलमोस्ट 50% कम होता है। तो पेशेंट शुड ट्राई देयर बेस्ट टू अवॉइड प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। यदि पेशेंट को एसिड या गैस की प्रॉब्लम ज्यादा है तो वो डॉक्टर से डिस्कस कर सकता है और इसकी जगह पे कुछ सब्स्टिट्यूट ड्रग्स होते हैं जो इम्यूनोथेरेपी का इतना असर खराब नहीं करते और पेशेंट वो दवाइयाँ ले सकता है। सो दोस्तों थर्ड चीज हो गई एंटीबायोटिक्स जो पेशेंट को अवॉइड करनी चाहिए। तो दोस्तों सेम एंटीबायोटिक का भी यही कॉन्सेप्ट है, बॉडी में जाके बैक्टीरिया को किल करता है। तो बैड बैक्टीरिया के साथ गुड बैक्टीरिया जो इंटेस्टाइन में है उनकी भी डेथ हो सकती है। नेट रिजल्ट ये होता है कि माइक्रोबायोम चेंज हो जाता है और इम्यूनोथेरेपी का असर कम हो जाता है। तो हालांकि एंटीबायोटिक बैंड नहीं है पर पेशेंट को ट्राई करना चाहिए कि वो कम से कम एंटीबायोटिक ले क्योंकि वो इम्यूनोथेरेपी के असर से इंटरफेयर कर सकता है। और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है एनसेड्स। तो दोस्तों एनसेड्स कुछ दवाइयां होती है जो बॉडी में इम्यूनिटी का जो इन्फ्लेमेशन कॉम्पोनेंट है उसको मॉड्यूलेट करता है। तो कुछ एनसेड्स कॉमनली एनसेड्स को हम पेन किलर्स के रूप में यूज करते हैं। तो एनसेड्स की मेन चीज क्या है कि एनसेड एक ऐसे ट्रीटमेंट का हिस्सा है क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट और सेफ पेन किलर्स में से है। ये कैंसर के ट्रीटमेंट में जनरली कई पेशेंट्स में इनको कम्प्लीटली अवॉइड नहीं किया जा सकता, पर इन जनरल किसी पेशेंट को यदि पेन किलर की जरूरत ना हो तो हम कोशिश करते हैं कि उसको जल्द से जल्द रिड्यूस किया जाए ताकि बॉडी की इम्यूनिटी पर उसका असर मिनिमम रहे। तो ऐसा नहीं है कि पेशेंट को पेन में जीना चाहिए, पेन के लिए नॉन एनसेड ड्रग्स है जो हम कंफर्टेबली यूज कर सकते हैं, पर इन जनरल जितना हम एनसेड का यूज कम करें उतना पेशेंट का इम्यून रिव्यू के लिए बेटर रहता है और इनका एक माइनर इफेक्ट होता है इम्यूनोथेरेपी के फंक्शन पर। और लास्ट में हम बात करते हैं कि पेशेंट को क्या करना चाहिए। तो हम पेशेंट को 3-4 हिदायतें देते हैं कि उनको क्या करना चाहिए एक अच्छी इम्यून एनवायरनमेंट बॉडी में क्रिएट करने के लिए। तो नंबर वन है एक्सरसाइज। तो दोस्तों हर कैंसर पेशेंट एक्सरसाइज नहीं कर सकता, पर हम रिकमेंड करते हैं कि जो पेशेंट फिजिकली एक्टिव है वो कम से कम कोशिश करें कि दिन में अराउंड 20-30 मिनट्स ब्रिस्क वॉकिंग या कोई लाइट एक्सरसाइज करें जो कि बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है और इम्यूनोथेरेपी का असर को बूस्ट करता है। नंबर टू होता है कि कुछ स्पेशल दवाइयाँ होती हैं जो पेशेंट्स को देते हैं
जिनका पर्पज ये होता है कि इम्यूनिटी को बूस्ट करे, और ये सारे कंटेम्पररी रिसर्च के ऊपर बेस्ड है। तो इसके कुछ एग्जांपल होते हैं, कुछ स्पेशल बैक्टीरिया प्रिपरेशन जो बॉडी के माइक्रोबायोम को मॉड्यूलेट करे, कुछ इम्यून मॉड्यूलेटिंग मेडिसिन, और कुछ बॉडी के जो बायो सॉल्ट सिस्टम को मॉड्यूलेट करने वाली दवाइयाँ पेशेंट्स को देते हैं, जिनका सबका पर्पज ये है कि ये क्लिनिकल ट्रायल्स में प्रूवन है कि ये इम्यूनोथेरेपी का असर बूस्ट करती है। तो जितना भी इम्यून सिस्टम को हम बूस्ट कर सके ये दवाइयाँ देके हमारी कोशिश ये रहती है कि पेशेंट का इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट किया जाए और पेशेंट का इम्यूनोथेरेपी का असर मैक्सिमाइज किया जाए। साथ में जो पेशेंट ओरल इंटेक अच्छे तरह कर सकते हैं उनको हम इसबगोल यानी भूसी यानी डाइटरी फाइबर 20 ग्राम रोजाना लेने को कहते हैं, और अगेन इसका पर्पज यही है कि बॉडी के बैक्टीरियल सिस्टम को ठीक किया जाए ताकि इम्यूनोथेरेपी का असर माइक्रोबायोम के द्वारा मैक्सिमम। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक लाइफस्टाइल प्रिकॉशंस हैं जो हम हमारे इम्यूनोथेरेपी पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं। यदि आप इम्यूनोथेरेपी ले रहे हैं तो अपने मेडिकल वर्ल्ड से डिस्कस करके कोशिश कीजिए कि इन ट्रीटमेंट्स को इम्प्लीमेंट किया जाए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इम्यूनोथेरेपी में ऐसा नहीं कि यही चीज़ सब कुछ है। इम्यूनोथेरेपी एक कॉम्प्लेक्स आर्ट एंड साइंस है, और बहुत सारे चीज़ें हैं जो इम्यूनोथेरेपी का इफेक्ट और साइड इफेक्ट को मॉड्यूलेट करते हैं। साथ ही इम्यूनोथेरेपी के दौरान डॉक्टर को हमेशा केयरफुल रहना चाहिए कि पेशेंट को कोई इम्यून रिलेटेड साइड इफेक्ट ना हो जाए, जिससे कि मल्टीपल ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं, जैसे कि लंग, लिवर, स्किन एक्सेट्रा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कभी भी इम्यूनोथेरेपी लें तो एक क्वालिफाइड मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के अंडर ही लिए, और ये हार्ड दवाइयाँ जो हालांकि इम्यूनोथेरेपी का साइड इफेक्ट कीमोथेरेपी जैसे हार्ड दवाइयों से कम होता है, बट कुछ पेशेंट्स में ये दवाइयाँ टॉक्सिक भी हो सकती है। तो डॉक्टर का एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन बहुत मैटर करता है। तो ऑलवेज टेक इम्यूनोथेरेपी अंडर सुपरविजन ऑफ क्वालिफाइड ऑन्कोलॉजिस्ट ओनली। तो दोस्तों मैं इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि जो पेशेंट्स इम्यूनोथेरेपी पे हैं उन्हें इस वीडियो से यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो और इसको अपने ट्रीटमेंट को इम्प्लीमेंट करें। दोस्तों हमारे चैनल का मेन पर्पज़ ये है कि इंडिया का जो कैंसर पेशेंट है उसे वर्ल्ड का बेस्ट और लेटेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट अपनी भाषा में पूरी इन्फॉर्मेशन मिले ताकि वो अपना बेस्ट पॉसिबल आउटकम पा सके। तो यदि आप इस मिशन में जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हो सकता है इस वीडियो के बाद आपको कुछ क्वेश्चन हो जो आपके सॉल्व नहीं हुए हो, तो स्क्रीन पर डिस्क्रिप्शन सोशल मीडिया चैनल से या वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट से आप मेरे को अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि आपका क्वेश्चन जल्द से जल्द आंसर करें। जल्दी आपसे मिलेंगे एक और इम्पॉर्टेंट कैंसर वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।